وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا إبراهيم
إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق سامعین محترم حاضرین محتشم اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جان سکون ایمان غمخارِ آسیاں ممدوحِ قدسیاں سرخیلِ نوریاں رحمتِ عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ الصلات والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین
बरादरान इस्लाम खवातीनो हजरात दुनिया की जिंदगानी दे अंदर इंसान को रबुल आलमीन ने अपनी इबादत दे वास्ते पैदा फरमाया। ताके इबादत की वजह तो कुर्बे इलाही दी मनाजिल तय हो जन और दुनिया की कामयाबी ते आखरत की निजात ते जन्नतुल फिरदौस मुकाम मिल जाए। इबादत की कई अकसाम ने, कुछ इबादत ऐसिया जिन्ना दा ताल्लुक माल दे नाल है, कुछ इबादत ऐसी जिन्ना दा ताल्लुक जुबान दे नाल है। इसे तरह कोई फेली और बदनी इबादत और कोई दिली ते रूहानी इबादत। हर इबादत का सर चश्मा अल्लाह की रिदा और खुशनुदी है। अगर रियाकारी तो पाक होके दुनिया की इस जिंदगानी दे अंदर असी सारे रब दी रिजा दे वास्ते इबादत करिए ते मालिक अपने बंदियां दियां नेकियां जाया नहीं फरमांदे, कदर करके जन्नत आता फरमा देंदे। बड़ी सादत मंदी है कि कौली भी इबादत होए, फेली भी इबादत होए, बदनी भी इबादत होए, रूहानी भी इबादत होए। एक इबादत माल वाली इबादत, इंज समझो ए इबादत नहीं, ए ते इंसान दी रहमान दे नाल तिजारत है। और याद रखना कि दुनिया दे कारोबार दे विच वादा घाटा हो सकता है, दुनिया दे मालो दौलत दे हुसूल दे वास्ते परेशानी आ सकती है, लेकिन मैनु अल्लाह जुल जलाल दी इज्जत दी कसम, जेड़ी तिजारत ते कारोबार इंसान रहमान दे नाल करदे, ओदे विच घाटा ते नुकसान नहीं, ओदे विच नफा ही नफा है। सुबहान अल्लाह। इसे वास्ते कुरान पाक ने जा बजा मुकामात ते इस बात की तलकीन और ताकीद फरमाई कि दुनिया जहां दे लोगों आ माल तुहानू रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया, ये माल असी इहदे वारस नहीं, असी ते खाली हथ मना मट्टी दे नीचे चले जाना है। ये माल रब दे, ते जे रब दे नाल इस माल दी सूरत दे विच तिजारत कर लईए ते अल्लाह ना सिर्फ दुनिया दे विच बरकता नसीब फरमांदे ने, बल्कि कबर दा सुकून और कयामत दी इज्जत ते जन्नत दा दाखला अल्लाह अपने बंदियां नू नसीब फरमा देंदे ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सुनिए, इसे वास्ते मना कीता गया कि ये माल किते तुहानू मालिके कायनात दी याद तो गाफिल ना कर दे,
और किते इस माल दी वजह तो तुसी मालिक दियां रहमतां समेटने तो महरूम ना हो जाना, और किते दुनिया दे धोखे दे विच आके ते अपनी आखरत ना गंवा लेना। लिखिया किथे पारा 28 ते सूरत दा नाम सूरतुल मुनाफिकून है, और ऐलान रब्बुल आलमीन मेरे और तुहाडे नाम सुनिए अल्लाह जी दा पैगाम। आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून। وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ। सुनिए अल्लाह पाक दा कुरान मेरे ते तुहाडे नाम हमदर्दियां दा पैगाम लेके आ रहे है। अर कायनात दे लोगो मेरा ते ईमान अकीदा वे ओना प्यार कायनात दियां मावां अपने बेटियां दे नाल नहीं कर दियां जितना प्यार अल्लाह अपने बंदियां दे नाल फरमाने वाले। इसे वास्ते अच्छे बुरे दी तमीज सिखा दीती, चंगा ते मंदा अलग अलग करके दिखा दिता। वाह सुभान अल्लाह। ते एदा तर्जमा ते मफहूम से मत फरमाना, यकीनन मेरे सामईन और सामियात दा दिल गवाही देगा कि अल्लाह अरशां वाले आ तेरे तो वध के साडा खैर खाई कोई नहीं, अल्लाह तुहाडे तो ज्यादा कोई हमदर्द नहीं, ते तुहाडे तो ज्यादा कोई साडा पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह 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 रोकया जा रहे है, डकया जा रहे है। अल्लाह जुल जलाल फरमान देने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान दा दावा करने वालों अपने आप नू मोमिन ते मुसलमान कहलाने वालों, रब जी ऐलान किए फरमाया ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान दा दावा करने वाले हो वेखे अजे तुहाडियां दौलतां ते कारोबार, वेखे अजे तुहाडे मालो मता ते तुहाडियां औलादां ते बच्चे किते तुहानू अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देन, किते तुहानू रब दी याद तो बेगाना ना कर देन। वा मैयफुल ज़ालिका फौलाइका हुमुल ख़ासिरून।
जिदा माल उन्हों रब दी याद तो गाफिल कर दे, जिदी तजारत उन्हों रब आलमीन दी इबादत तो हटा दे, ते जिदे बीवी बच्चे ते औलादा उन्हों अल्लाह दे हुक्म ते चलन तो आड़े आ जन। कुरान पाक कह रहा ओ लोग नुकसान उठाने वाले, ते रब जी फायदा किस तरह होएगा? फरमाया वा अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, मेरे ओ बंदे ओ माल मैं अता करने वाला, मालो दौलत मैं अता करने वाला। हाँ हाँ हज़राते ते रब दिया तकसीमा ए ते मेरे परवरदिगार दी तरफों अतावा ने, जे माल देन ते आए ते मालो दौलत दिया फरावानिया अता कर दे, जे ना देन ते आए ते दो वक्त दी रोटी दा भी मोहताज कर दे, जे ना अता करन ते आए ते अपने बंदे बंदिया नू फाकियां दी जिंदगी गुजारन ते मजबूर कर दे। ओ अपनिया मर्जिया वाला ए अकिते चेहरे चोचो कर दे ने, किते रंगी रहिंदे उड़े ने, कोई पीरी वेच जवान दिसन, कई वेच जवानी बुढ़े ने, और किते टांगे आं जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड़े ने, और किते हुक्म चलांदे फिर दे ने, ते कई खांदे फिर दे ठुड़े ने, और किते अगले डंग दी जुड़ दी नहीं, कई दिन दे फिर दे छटे ने, है ही कोई वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खटे ने। वा मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने, हाथ लाया मैले होवन कई, कई तवे तो हुंदे काले ने, और कोई मारे हुए नसीबां दे, कई मारे हुए नसीबां दे, कई बहुते कर्मा वाले ने, और किते लस्सी पीन नू लभदी नहीं, कईआं कुत्ते दुद्धी पाले ने, और किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना विच नहीं वाले ने, और किते अंग पुराने पाले ने, कईआं ला नवें भी सुटे ने, है ही कोई वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खटे ने। वा मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने, ना सारे दुनिया ना सारे चेहरे हसदे ने, ना हर कोई सूरत रोनी है, ना सारे चेहरे हसदे ने, ना हर एक सूरत रोनी है, पंड दुकान दी मोड़े आंते चुक के, जिस टोनी है उस टोनी है, पे बंदा पावे कुछ करे, जो होनी है सो होनी है, और किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं,
किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अटे ने, है कोई वल अंगूरां दी, कुछ मिटे ने कुछ कटे आमला। तू अपनिया कुदरत दे क्या सोने नक्शे कटे ने, हजरात फकीर गल समझा रहे है, ए मल दौलत दिया रेला पेला अता करे ते कौन, जे गुरबत दी जिंदगी गुजारन ते मजबूर कर दे ते कौन, कौन उन्हें पूछने वाला है। रब जी ए ते तुहाडियां तकसीमां ने, अल्लाह करना की है। फरमाया अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, अ मेरे आ बंदे हो, तुसी एक काम करना है, दुनिया का कारोबार कर दे हो घाटा पै जांदा है, दुआ करो जेड़े कारोबारी परेशानियां दे विच मुबतला ने, अरशां वाले आ जुमे दियां मुबारक घड़ियां ने, इस घड़ी नूं कबूलियत वाली बना के मेरे सारे वीरां दियां परेशानियां रफा फरमा दे। अल्लाह जेड़े मुश्किलात दा शिकार ने, गैब तो अल्लाह सबाब पैदा फरमा दे। रब जी करना की है। फरमाया दुनिया दे लोगां दे नाल तजारत करना, ओहदे विच घाटा भी हो सकदा नुकसान भी हो सकता है। अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, आ बंदे अपने रब दे नाल तजारत कर ले, अपने अल्लाह दे अता कीते माल दे विचों अपने अल्लाह दी राह दे विच खर्च कर ले। मिन कबल आतिया अहदा को मुल मौत, एदे तो पहले के ओ घड़िया आ जल, यार चिर बहुता नहीं जे लगदा, खुशियां गमां दे विच बदल जांदियां ने, कोई देर बहुती नहीं जे लगदी, मुसरता हसरतां दे विच बदल जांदियां ने। मिल कबली आतिया अहदा को मुल मौत, एदे तो पहले रब दे नाल तजारत कर ले, को वेला आउन तो पहले रब दी मन ले, अल्लाह दे आके लग जा। केड़ा वेला, जीम मीम मौत दी आन जद हवा चली, आ लोगो वस दे शहर वेरान हो गए, उल्लू बोल दे सुंजियां बैठ कंते, खाली बंदे आम बाज मकान हो गए, और जिन्ना भागां दे गहने तुर माली, ओ ता सुख के टिंगरा वांग हो गए, ते पुत्र जिन्ना दे नहीं जहान उते, गुम ओना दे नामो निशान हो गए। मिल कबली आई आतिया आवादा कुमल मौत, रब दे नाल तजारत कर ले, ओ वेला आउन तो पहले के मौत दे शिकंजे दे विच तैनू गिरफ्तार कर लिया जाए, ते फिर तरला ते मिन्नत कर दे। फयाकुल रब्बी लौला अखरतनी इला जलिल करीब, आंदा रब्बा थोड़ियां जिहियां मोहलतां दे दे, अल्लाह थोड़ा जिहा होर टाइम ते वक्त दे दे। फासद्दका वा अकुम मिन सवालिहीन, अल्लाह मैं अपना माल तेरी राह दे विच सारे दा सारा लुटा दिया, अल्लाह मैं दौलतां तेरी राह दे विच खर्च कर दिया, लेकिन अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, और यार उस वेले की फायदा। मैं हुने सुनन भी दाऊद दी एक रवायत पढ़ के आ रहा, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आ कायनात दे लोगो अपनी जिंदगी दे विच अपनी हथी एक पैसा, एक रुपया, एक दिरहम दिनार अपनी जिंदगी दे विच अपनी हथी खर्च करना। मैं ते बावजू मिंबरे रसूल ते खड़ा, खुदा दी कसम में ऐसे लोगों नु देखेया के हस्पताल दे बेड ते बाप मौत दे करीब है ते धीआं ते पुत्र बाबे दे अंगूठे लगवांदे फिरदे ने, वेड़े दे विच बाप दी चार पई पई है, रिश्तेदार नहीं इकट्ठे होए ते ए अपनी यतीमी दा अफसोस करन तो पहले बाप दी जायदाद लपेटन दे चक्करां दे विच ने। अपने हाथ नाल खर्च कर जाओ, कम होई आउणा मेरे अजीजो जेड़ा अज अपने हाथ नाल रब दे नाल तिजारत कर जाएगा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जिंदगी दे अंदर कम औखा है लेकिन दिल नूं समझाया कर के ए सारा कुछ मेरा नहीं अरशां वाले रब दा है। तिजारत कीजिए, अज दे खुतबा जुमा दा उनवान अल्लाह जी दे नाल तिजारत कीजिए। जिंदगी दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने अपने हाथ दे नाल खर्च कीता एक पैसा, एक रुपया, मौत दे वक्त 100 दिरहम दिनार भी खर्च करे ओदे नालों चंगा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम من قبل أن يأتي أحدكم الموت। कुरान पाक का दूसरा मुकाम ऐसे मजमून नो और अल्फाज दे नाल बयान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा वल काफिरून हुम ज़ालिमून। ईमान दा दावा करने वालों, मोमिनो मुसलमानों, अल्लाह दे माल दे विच अल्लाह दी राह दे अंदर तिजारत करके, अल्लाह दी राह दे अंदर खर्च करके रब नाल तिजारत करो। मिल कबली आती यौमुन, एदे तो पहले के ओ दिन आ जाए, अल्लाह महफूज फरमा ले, एदे तो पहले ओ दिन आ जाए केड़ा आ कोई नहीं युवारू बंदा। ओ दिन आ जाए, बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां दा छट्टा पा दे। मिन कबली आई आती आई यौम, और रब दी राह दे विच बंदे ओ खर्च कर लो, एदे तो पहले ओ दिन आ जाए। भैणां नूं छड़ दिता सकेआं परावां ने, याद नहीं कीता मुड़ दोस्त शनावां ने, ओ सुट दिता रोंदा बच्चा जम दे मावां ने, पुत्र नूं याद नहीं किधर गई माईया। आईया तिया यौमुन ला बैउन, उस दिन तो पहले तिजारत कर जिस दिन तिजारत नहीं होएगी। एक बंदा पेश कीता जाएगा, रब करीम फरमानगे, आ मेरे प्यारे बंदे
अगर मैं तेनू कहां के इस दुनिया का सारा अपना बैंक बैलेंस ये दे दे ते तेनू अज छुट्टी अदाब तो मिल जाएगी, वारा खांदा ही उथे आखेगा अल्लाह सारी दुनिया की दौलत देने तैयार आ। आओ उस दिन तिजारत नहीं होनी, दुनिया दे विच तिजारत कर लो अपने रब दे नाल। कुरान पाक दा एक और मकाम से मात फरमाइए, अल्लाह जुल जलाल फरमान देने الذين ينفقون اموالهم اس تجارت دا ہن کریڈٹ کی ملے گا، بینیفٹ کی ملے گا، ایڈوانٹیج کیا ملے گا؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। मेरे ओ बंदे जेड़े मेरी राह दे अंदर खर्च करने वाले, रब जी दे नाल तिजारता करने वाले, कारोबार दे कुछ मैनर्स हुंदे ने, हर कारोबार दे कुछ उसूल हुंदे ने। ए जेड़ा बिजनेस असी अल्लाह करीम नाल करने ना, एदे भी कुछ कायदे कुलिये ने। एक कुलिया सज्जे हाथ नाल देओ ते खब्बे नूं, असी ते समझने आ कि जिन्नी देर तक सोशल मीडिया ते फोटो नहीं आएगी होरे मेरा खर्च कीता कबूल होना कि नहीं होना। एक कुलिया अल्लाह दे नाल तिजारत दा ए है, सज्जे हाथ नाल देओ ते खब्बे नूं। हाय नबी पाक अलैहि सलाम ने एक बंदे दी गल सुना रहे ने ते मुस्कुरा रहे ने, सुभान अल्लाह। आमिना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने एक बंदे दे दिल दे विच ऐ तिजारत दा कुलिया आया, चुप करके वही खर्च करना चाहिदा। रात नू निकलिया एक बंदा रस्ते च मिलिया, चुप करके उन्हू पैसे पकड़ा दिते। सुबह हुई लोग कहन लगे ओ वेखो राती कोई इस चोर नू पैसे फड़ा गया। वो बंदा बेचारा बड़ा परेशान होया। अगला दिन होया फिर चुप करके निकलिया, एक बंदे नू पैसे पकड़ान दी कोशिश कीती। सुबह होई लोग कहन लगे राती कोई शराबी नू सदके दे पैसे दे गया। तीसरी रात हुई एक औरत मिलदी है, आका करीम अली सलाम फरमांदे ने ओ बंदा उस बीबी नू पैसे पकड़ा देंदा है। सुबह हुई ते लोग कहिंदे ने वेखो राती एक जानिया नू कोई सदके दे पैसे पकड़ा गया। ओ बंदा ना बड़ा परेशान होया ते परेशान जिया सौ गया ते ख्वाब दे विच आवाज देन वाला आवाज दे रहे है, ओ परेशान न हो तेरी नीयत दा बदला तेनू मिल के रहेगा, तेरी नीयत दा अजर अल्लाह तेनू जरूर अता करनगे। पहली राती तेरा सदका एक चोर नू मिले है, हो सकदा तेरे सदके दे पैसियां दी वजह तो ओ चोरी तो बाज आ जाए। दूसरी राती तेरे सदके दे पैसे शराबी नू मिले, हो सकदा तेरे पैसियां दी वजह तो शराब तो बाज आ जाए। तीसरी राती तेरे पैसे एक जानिया औरत नू चले गए, ओए हो सकदा तेरे पैसियां दी वजह तो अल्लाह उन्हूं गुनाह तो तौबा दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे बरादर अर्ज़े कर रहे अल्लाह दी तौफीक दे नाल हर कारोबार दे उसूल ने ते अल्लाह दे नाल तिजारत दे भी उसूल ने। पहला उसूल ए वे सज्जे हाथ नाल देओ ते खब्बे नू। कयामत वाले दिन जिन्ना सत लोगों नू अल्लाह करीम अपने अरश दा साया देन वाले ने, उन्हां सत्तां बंदियां चो एक है भी जे
जड़ा खर्च कर दे चुप करके, मैनू एतराफ है कि बड़ा मुश्किल दौर है। असी अलहमदुल्ला लखा का समान तकसीम करके आए हैं चौधरी साहब, ते मैं साथियों नु क्या यार मेहरबानी फोटो शोटो ना बनाया जे, ट्रक च सुट दिता ते नवा बिस्तरा घर बिछाया। बीवी आई कहन लगी इत्थे बिस्तरा किने बदलिया, आंदा तेनू नवा मिल गया तेनू होर की चाहिदा, आंदी है मैनू ये दस बिस्तरा किने बदलिया, खसमां नू खाने आ जिहड़ा पुराना बिस्तरा सी उहदे च 65,000 रुपया कमेटी का भी पिया होया सी। अगर तेरी नीयत दे विच फतूर आएगा, मैं आम मेरे नबी दे यार खास, लेकिन मेरे पैगंबर एक दिन गुजर रहे सन एक कबर तो, ते फरमाया अफसोस अफसोस एदे को लोगां दा माल आया सी ते इन्हें एक चादर चोरी कर रख ली सी। इन्ना कसीरम मिन अल अहबारी वर रोहबानी, बेशक बड़े मौलवी ते बड़े पेशवा लिया कलूना अमवाल नासी बिल बातिल, लोगां दा माल नजायज ना हक खांदे ने, एक ते खराबी है। वल्लजीना यकनिजून ज़हब वल फिज़्ज़ता, ते जेड़े लोग अपना मालो मता इकट्ठा कर करके रख देने, वला युन्फिकूना फी सबील एहसान नहीं करना हुंदा वीरो किसे ते, रब ने दिता है ते रब दी राज खर्च कर दिता। मैं जुमे तो पहले सीरत दी किताब दे विच एक वाकया पढ़ रहा सा, ईमान ताजा कर गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अंदा दौरे खिलाफत है, शाम शहर मुलक दे एक पिंड दे विचों एक गरीब आया, हजरत अबू बकर नू मिलदा है, आंदा या अमीरुल मोमिनीन मैनू कुछ कारोबारी लॉस हो गए ने, मैं मकरूज हो गया ते मेरी मदद करो, मैनू 6,000 शर्फियां चाहीदियां ने। अबू बकर फरमान लगे कि अबू बकर दे घर ते 3 दिन हो गए ने, अजे हांडी भी नहीं पकी, उन्हां दा तकवे दा लोदा आलमी सी। एक दिन बीवी कहन लगी कुछ मिठा खाण ते दिल करदा खाने दे विच, फरमान लगे मेरी तनख्वाह इतनी तो नहीं। बीवी मोहतरमा ने ना रोज दी ग्रोसरी दे विचों थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के, ते एक दिन अमीरुल मोमिनीन नूं पैसे पकड़ाए, लो कोई मिठी चीज बच्चियां वास्ते लै आओ, पैसे कित्थों आए ने, कहन लगियां मैं रोज दे खर्चे चो थोड़े थोड़े बचाए ने। हजरत अबू बकर फरमान लगे एदा मतलब है जे इन्ने पैसे घट भी आउन ते मेरे घर दा गुजारा चल सकदा है, जाके ओ पैसे बैतुल माल दे विच जमा करके फरमाया मेरी तनख्वाह अज तो बाद इन्नी घटा दिओ। कैसा जोहद और तकवा, फरमान लगे अज 3 दिन होए ने अबू बकर दे घर ते हांडी नहीं पकी, अल्लाह 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 की करा। फरमाया उस्मान दे घर टुर जा, किधर बोलो, उस्मान दी सखावत बड़ी मशहूर है। ओ बंदा कहन लगा तुहाडा नां लवां जाके रेफरेंस दिया, अबू बकर कहन लगे उम्मीद ते ए वे के उस्मान खर्च करन लगिया पुछ प्रतीत नहीं करदा, उम्मीद ते ए वे के तेनू ना लैण दी लोड़ ही नहीं पैनी। ओ बंदा ना हजरत उस्मान दे दरवाजे ते गया, ते अंदर हजरत उस्मान दे उच्ची उच्ची बोलन दी आवाज आ रही सी, बोलदे किहदे नाल ने, अपने बच्चियां नाल, बोल की रहे ने, बच्चियां किते दुध दे विच शहद मिला के पीता सी,
हजरत कहन लगे तुहानू कितनी दफा मना कीता है कि दुध भी मिठी चीज है, शहद भी मिठी चीज है, फजूल खर्ची ना करया करो, खाली दुध पी लिया करो। ओ बंदा ना कहन लगा वाह अबू बकर किदे बुवे ते कल छड़े आई, किदे दरवाजे ते कल छड़े आई। दरवाजा खर्चों के खटखटा चुके आसी ओ बंदा। हजरत उस्मान बाहर निकले, कहन लगे पहली ते जनाबे माजरत के मैं घर जरा बच्चिया नाल बोल रहा सा ते मैनू आउंदिया आउंदिया लेट हो गई। ओ बंदा समझ गया कि ये कोई आम बंदा नहीं, ये परिया पंचायत वाला है, रख रखाओ वाला बंदा है। किधर आए हो? जी एक जरूरत नु आया। अंदर बिठाया, दुध दे विच शहद पाके ते नाल खजूरां दा हलवा उस बंदे दे अगे लिया के पेश कर दिता। वो हैरान हो के कहन लगा अपने बच्चियां नू अजे हुण झिड़कदे सो पै, कहन लगे अपने बच्चियां नू सरफे दी आदत इस वास्ते पाना के ज्यादा तो ज्यादा रब दी राह दे विच खर्च कर सक। मैं इत्थे अक्सर क्या करना के यार कम अज कम जिन्ना हफ्ते का अपने एक बच्चे का खर्चा है सी ते मस्जिद लई ओना भी खर्च करने लई तैयार। इधर उस्मान प्यारे कहन लगे अपने बच्चिया नू आदत पाना फजूल खर्ची ना करया करो, जेडे पैसे बचन अल्लाह दी राह दे विच खर्च कर दिया करो। किधर आए? मैं शाम दे एक पिंड चो आया, मैं कारोबारी परेशानियां च फसिया, फिर दुआ करो मेरे जेड़े भाई दोस्त वीर कारोबारी मुश्किलात दा शिकार ने अल्लाह सोना खैर फरमा दे। 6,000 शर्फी दा मैनू लॉस हो गया, लोग मेरा दरवाजा पुट मारदे ने, मैं करदई हां। हजरत उस्मान ने गुलाम नू हुक्म दिता एक ऊंट ते इस बंदे दे वास्ते समान लद के लियाओ, इहदे बीवी बच्चियां दे कपड़े होण जिहदे विच राशन होए खुराक होए ते वेखिया जे बेहतरीन तो बेहतरीन होए। आ तुसीं भी सैलाब वालियां दे वास्ते, असीं भी सैलाब वालियां दे वास्ते निकारना है ना, ते कई ते कसमें समझ आउंदी है कि सिर्फ पेटियां ही खाली करदे ने पै। अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। साजिद कालो साहब ने कोशिश की थी है मैं पहलियां दे विच ही शामिल हो जाऊं और ए तो बाद की कहन वाले ने, अल्लाह कबूल फरमाए। वेखी किसे नू राशन देने ते बेहतरीन होए एक ऊंट समान दा तैयार कर, और एक ऊंट ते भाई सिद्दीक कम अज कम 17 मन सौदा लद्दिया जांदा है। भाई पैसे किन्ने चाहिए नी जनाब? झकदिया झकदिया हुण दिल च आउंदा है कि जिन्हें इन्ना समान चुका दिता और पैसे ना दे। झकदिया झकदिया कहन लगा 6,000 शर्फी चाहिए, मैं करदई हो गया, कोई कारोबारी नुकसान हो गया। हजरत उस्मान अपने गुलाम नू कहन लगे इन्हू 12,000 शर्फियां पकड़ा दे। उस्मान तुहाडा शुक्रिया, मेरे उस्मान नाले उस परदेसी मुसाफर दे हाथ दबा रहे ने, नाल कहन लगे यार मेहरबानी ते तेरी के तू मैनू नेकी दा मौका नसीब कर दिता है। ते दरवाजे तो निकलदिया कहन लगा पता जे मैनू तुहाडे कोल किन्ने कल्लिया सी, अजे ये नहीं बोलिया। ते उस्मान कहन लगे मेरे वालों जाके ते अबू बकर जी का भी शुक्रिया अदा कर दई। ए तजारत रब दे नाल करो,
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله جڑے بد نصیب اپنا مال تے سونا تے چاندی جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے رکھ دینے میں تے مرکز عثمان والے ہو تے دور دراز تو آنے والے کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو کیا کرنا او یار اس مال دے نال پیار نہ پایا کر اے دنیا نہیں بن دی بندے دی پر بندہ جانو دنیا آندا کر لوگ بنائی پھر دینی اے اڈا اے فانی دنیا آندا کل دو پائی ایک وراثت دے اسی تونوں پھڑ دے ویکھنے ایک آندا اے آپ در ترتی میری آٹو اے ٹبے تیرے نے دوسرا آندا نہیں نہیں اے پدر ترتی میری آٹو اے ٹبے تیرے نے ترتی نے کیا آج زبندے اے دو مئی وچ ہنیرے نے نہ میں او دیانا نہ میں او دیانا او دیاں ایتے دو مئی بندے میرے نے اے یار دنیا دے مال نو جوڑ کے نہ رکھے آ کر اللہ فرماندے نے جڑے جوڑ کے جمع کر کے رکھ دینے اللہ دی راہ خرچ نہیں کر دے فبشرہم بعذاب علیم انہاں نو دردناک سزا ملے گی اندازہ کیجئے آخری بات میں تے تسی اشر شیر بھی نہیں انہاں ہستیاں دی عظمت دے تے ایتھے عالم کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دی ایک بات مینو اکثر رولا دین دی ہے مرتے سارے ہی جانا ہے حضرت سلمان فرماندے نے جدوں سخی بندہ مرد ہے نا تے زمین رب نو آندی ہے اللہ اپنے اس بندے دے درجے بلند کر دے تے کنجوس بندہ بخیل بندہ مال جوڑ جوڑ کے رکھن والا کی مردیاں نال لے جائے گا میں اکثر کیا کرنا سکندر بادشاہ پوری دنیا تے حکومت کر گیا ہے جدو فوت ہویا وصیت کردا میرے دوویں ہاتھ کفن چوں باہر کڈ دے آجے لوگاں نو خبر ہو جائے پوری دنیا تے حکومت کرن والا سکندر وی اج دنیا تو گیا تے خالی ہاتھ لے کے گیا ہے اور نہ جوڑیا کر یار اللہ دی راہ دا حق نہ دبایا کر جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ او تیرے کان والے ہور تینوں قبریں دفنان گے تیرے پہنا تے پرام رل کرن گے سلام تیری بیوی دا نکاح کتے اور کران گے نہ جوڑ جوڑ کے رکھے آ کر موت دے ویلے پچھتائیں گا قبر دے وچ جا کے تے واویلا کریں گا حشر نو پچھوتائیں گا اللہ فرماندے نے جڑے بندے جوڑ جوڑ کے رکھن والے انہاں دے واسطے عذاب علیم دی بشارت سنا دیتی جائے حضرت سلمان فارسی اسے واسطے فرما رہے نے جدوں بخیل بندہ مرد ہے نا تے زمین آندی اللہ جویں انہیں تیری راہ چوں اپنا مال چھپا کے رکھیا اللہ تو اے دے تو اپنی رحمت نو پراں کر لے آخری حدیث دل تے ہاتھ رکھ کے سن والیے میں تسی عام لوگ بات سنا لگا سیدہ ام سلمہ ام المومنین جی دی رضی اللہ نبی پاک دے کر کتوں گوشت دا تحفہ آ گیا ایک ٹکڑا سیدہ نے
महसूस है फरमाया। सोने नबी पाक नू भुख लगी होएगी, मेरे महबूब मेरे घर आउन के ते मैं हांडी पका के ते आप दी खिदमत कर लवांगी। किन्नी अच्छी नीयत है। ए मेरे नबी दे घरां दा हाल जे साडा ए मुहर्रम चल रहा कि सफर सफर, ते साडियां फ्रिजां चो ईद दा गोश्त अजे भी नहीं गया, सफर दा महीना चल रहा है। इत्थे मेरे नबी दे घरां दा हाल है कि गोश्त कोई नहीं, एक पीस कितों गोश्त दा तोहफा आया, सैयदा ने संभाल के रखिया। ते नीयत बड़ी चंगी है कि मेरे महबूब झकदे आ, आप ते कदी खाना मंगदे नहीं। अच्छा ते चलो मैं सोनी जी हांडी भुन के पका के ते नबी पाक दी सेवा कर देंगे। दरवाजा खटकिया, एक सवाल करन वाला सवाल कर दे, मैं भुखा वा ते रब दे वास्ते मैनू खैर पा दियो, अल्लाह दी राह दे विच कुछ खर्च कर दियो। मां जी उम्मे सलमा दे दिल दे विच ख्याल आया, मेरे नबी भी ते कई दिनां दे भुखे होणगे, मेरे नबी नूं भी ते अच्छे सालन दी जरूरत होएगी। उहनूं मोड़ दिता, साहिल नूं बोलो, साहिल नूं खाली मोड़ दिता। थोड़ी देर गुजरी, नबी पाक घर आ गए सल्लल्लाहु उम्मे सलमा, भुख लगी है खान लई कुछ है? फरमान लगियां, जी या रसूलल्लाह गोश्त है ते मैं पका के हुने पेश करनी आ। जिस खिड़की दी ताक दे विचो सैयदा ने गोश्त रखिया सी, हदीस पाक दे विच आउंदा है, जाके वेखिया ते गोश्त दी जगह ते चिट्टा पत्थर पिया होया सी। अल्लाह, सफेद पत्थर। इमामे बहकी ने दलाइल नबुव्वत दे विच भी यह वाकया लिखे है। सैयदा बड़ी हैरान होईयां, और पत्थर हाथ दे विच पकड़े है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर पहले मैं इत्थे गोश्त रखिया सी, एक गोश्त पत्थर बन गया। मेरे महबूब नूं समझ आ गई, फरमान लगे उम्मे सलमा कोई मंगन वाला आया सी? कोई मंगन वाला आया सी? जी एक बंदा आया सी। मैं तुहाडे प्यार दी वजह तो नहीं सी दिता। मेरे महबूब ने फरमाया जदों सवाली नूं दरवाजियां तो खाली लौटा दईए ते फिर ऐही हाल हुंदे ने। सैलाब वालियां ते जिहड़ियां आफतां सन सो सन, खबरां ये हन कि मेरे तुहाडे कारोबार भी बंद हो रहे ने, गड्डियां फस गईयां, रोड बंद हो गए। क्या सोचे किते उन्हां मुसीबत ज़दा भाइयां नूं वेख के मेरे तुहाडे कोलों कोई कमी कोताही ते नहीं हो गई? तौबा कीजिए अल्लाह दी राह दे विच, तजारत कीजिए। कबल इसते फरमाया मिन कबल आतिया हदा कुमल मऊत फया कुल रब्बी लौला अखर तनी एला अजलिन करीब फा सद्दका वाक मिन सवालहीन। मौत दा जदों सिर ते पैगाम आ जाएगा, फिर कहेगा कि सारा कुछ ही खर्च कर दे, उस वेले दा खर्च कीता कबूल नहीं होएगा। अजे सावां चलदियां ने, वेले है ने, लोड़ा पैंदियां रहिंदियां ने जिंदगी दे विच। रब दी राह दे वास्ते तेरे मेरे कन्ना च आवाज आउंदी रहिंदी है, किते मस्जिदां दी तामीर दे वास्ते जरूरत आ, किते गरीबां दी बहाली दे वास्ते जरूरत आ। और वीरो ते बहनो बेटियो, जदों तुहाडे कन्न दे विच आवाज पवे उहनूं अपने वास्ते गनीमत समझ के पहली सफ वालियां दे विच शामिल हो जाए करो। रब करीम जन्नत दी पहली सफ दे विच खड़ा फरमा देंगे। वक्त बड़ा हो गया, मैं अल्फाज ते इक्तिफा करदा खत्म करना। अल्लाह मैनू तुहानू किताबो सुन्नत ते अमल दी तौफीक अता फरमा।